शमिता शेट्टी ने कल उमर रियाज को जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया था, वो सही था गलत था, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी। लेकिन अब जो है रियाज अहमद चौधरी, जो कि आसिम और उमर के पिता हैं, उन्होंने इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों शमिता शेट्टी ने डिस्क्वालीफाई सस्पेंड किया और बाद में डिस्क्वालीफाई किया उमर को, और वो जो है डिटर्जेंट जो है फेस पर रब कर रहा था, जबकि राजीव जो है अपना फेस छिपा रहा था और वो भी तो रूल तोड़ रहा था, लेकिन संचालक को छिपाया हुआ फेस नहीं दिखा लेकिन उसने पानी देख लिया, कितना अनफेयर है। और करण कुंद्रा ने कुछ भी नहीं बोला, कोई भी आर्ग्यू नहीं किया। तो ये बात जो है रियाज अहमद चौधरी बोलते हुए नजर आए हैं कि कल जिस तरीके से शमिता ने डिस्क्वालीफाई किया उमर रियाज को, वो सही नहीं था। और अगर उसके हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में जब किया सिर्फ डिटर्जेंट था उसके पास और कुछ भी पानी नहीं था, लेकिन उसने ये बोला कि हाँ वो पानी में डुबोकर वापस ला रहा है, लेकिन वहीं पर स्ट्रैटेजी ये भी थी, ये भी नियम था कि आप फेस जो है छिपा नहीं सकते, जबकि राजीव मुँह छिपाते हुए नजर आए थे। तो अब रियाज अहमद चौधरी जो कि उमर के पिता हैं, यहाँ तक कि उमर के फैंस भी और आसिम के फैंस भी यही बात कह रहे थे कि जो हुआ वो गलत हुआ और शमिता जो है पूरे संचालन के दौरान जो है वो अनफेयर थी। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट जरूर कीजिएगा।